हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सक्षमता पास शिक्षकों का नए स्कूलों में पदस्थापन जल्द होगा। सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का पदस्थापन प्रक्रिया जो है शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। आचार संहिता के कारण ही प्रक्रिया पर निर्वाचन विभाग ने रोक लगाई थी। नियोजित शिक्षकों के पदस्थापन की तैयारी विभाग काफ़ी समय से कर रहा है। जल्द ही इसको लेकर शिक्षकों की काउंसलिंग जो है वो होगी और नए स्कूलों में पदस्थापन के साथ ही ये सभी शिक्षक जो है विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। साथ ही ये सभी सरकारी कर्मचारी माने जाएंगे। 1,87,000 शिक्षक जो है सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी कार्यों में जो है तेजी आएगी। तीसरे चरण की नियुक्ति को लेकर विभाग पूर्व में ही BPSC को अधियाचना भेज दी है। इसको लेकर नए सिरे से पदों की गणना आदि का कार्य भी विभाग के द्वारा किया जाना है। तो आचार संहिता जो है उसकी वजह से प्रक्रिया पर रोक लगी हुई थी, तो अब जो है प्रक्रिया शुरू होगी और सभी जिलों में लगभग जो है एक कार्य चल रहा है। विद्यालय पदस्थापन का तैयारी जो है सो चल रहा है और जल्द ही शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। इसके लिए शेड्यूल जो है वो जारी हो जाएगा और नए स्कूलों में जब इन शिक्षकों का पदस्थापन हो जाएगा तो ये सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। साथ ही एक सरकारी कर्मी जो है वो माने जाएंगे।